ये व्हाट्सएप गैस तो कैसे हैं आप सब। तो गाइस बात करें गूगल पिक्सल 3 और पिक्सल 3 एक्सल के बारे में गैस, तो दोनों ही स्मार्टफोन के कुछ इमेजेस सामने आए हैं जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं दोनों ही स्मार्टफोन को फ्रंट और बैक दोनों तरफ से। तो अगर बात करें गैस पिक्सल 3 एक्सल के, तो इस साल गैस गूगल आपको नॉच इंप्लीमेंट करने जा रहा है पिक्सल 3 एक्सल में, जिसमें हमें आपको डुअल फ्रंट कैमरा देखने मिलने वाला है, यानी कि सेल्फी लवर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है ये फ़ोन। वही अगर गैस रियर कैमरा की बात करें तो वो पिछले साल के पिक्सल 2 और 2 एक्सल जैसा ही है, आपको एकदम सिंगल रियर कैमरा मिलने वाला है। ऐसे भी गाइस गूगल ने आपको ये प्रूफ करके दिखा ही दिया है कि हम सिंगल रियर कैमरा से भी हम पोर्ट्रेट शॉट और बोके शॉट ले सकते हैं, वो भी आईफोन एक्स से भी ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर की मदद से। तो इस चीज़ में आपको कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए कि आपको सिंगल रियर कैमरा मिल रहा तो वो बेकार है, ये आपको उससे भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है या पिक्सल 2 एक्सल से भी ज़्यादा अच्छा। नाउ गाइस अगर बात करें स्क्रीन साइज़ की पिक्सल 3 एक्सल की, तो वो शायद आपको हो सकती है 6.5 इंच की मैसिव साइज़ वाली स्क्रीन, जो कि आपको 19:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आ सकती है। तो वो तो गाइस अब बाद में पता चलेगा, मुझे तो ये चीज़ अभी ठीक नहीं लग रही कि 6.5 इंच की है, क्योंकि इमेज देखने से तो ऐसा लगता नहीं, लेकिन देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। अगर वही बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर की गाइस, तो वो आपको एकदम बैक ही पे मिलने वाला है, जैसा कि हमने पिछले पिक्सल सीरीज स्मार्टफोन में देखा है बैक में। वही गाइस अगर स्क्रीन साइज़ की बात, जैसे कि मैंने कहा स्क्रीन साइज़ आपको 6.5 इंच जैसा कहा जा रहा है, वैसा तो मुझे नहीं लगता। वही अगर गाइस बात करें अगर डिस्प्ले की, तो वो आपको पूरी तरीके से बेजरलेस नहीं है आईफोन एक्स की तरह, भले आपको फ्रंट में नॉच देखने मिलता है लेकिन पूरी तरीके से बेजरलेस स्क्रीन नहीं है। एज टू एज डिस्प्ले वैसा नहीं है जैसा कि हमने ओप्पो फाइंड एक्स में देखा आपको, और बाकी जितने भी स्मार्टफोन अभी आ रहे हैं वैसा नहीं दिखने वाला है गाइस पूरी तरीके से बेजरलेस। नीचे बॉटम में काफ़ी ज़्यादा जगह छोड़ा गया है पिक्सल 3 एक्सल में, वो किस लिए ये मुझे भी नहीं पता गैस। नाउ गैस अगर बात करें पिक्सल 3 की, तो वो आपको पिछले साल के पिक्सल 2 एक्सल जैसा ही, उसमें हमें नॉच देखने नहीं मिलता, लेकिन हाँ एकदम स्टैंडर्ड सा आपको लुक और डिज़ाइन देखने मिलता है, जैसे कि हमने पिछले साल के पिक्सल 2 एक्सल में देखा था, सेम टू सेम वैसा ही। और फ्रंट में आपको इसमें भी आपको डुअल फ्रंट कैमरा देखने मिलेगा, बस आई थिंक जो सब चेंजेस होंगे वो आपको आई थिंक रैम में हो सकते हैं या फिर कैमरा के मेगापिक्सल में, वो तो आप फ्यूचर में ही पता चलेगा गैस। लेकिन गैस आप मुझे अपनी थॉट बताना मत भूलना कि आपकी क्या थॉट्स है पिक्सल 3 और पिक्सल 3 एक्सल के ऊपर, तो मुझे कमेंट में सेक्शन में बताना मत भूलना। और आपको अगर ये वीडियो गैस पसंद आए तो गैस वीडियो को जैसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।